नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी, गणपति का ये उत्सव कुछ भी अच्छा काम, कुछ नई शुरुआत करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और अगर आप नए निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता है। तो आइए हम आपकी मदद करते हैं आपके निवेश के इस सफर में, और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर शेयर बाजार में एंट्री करना चाहते हैं तो क्या आपको करना है, पहला कदम लेने के लिए कि कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए, कहां पर निवेश करने से मुनाफा मिलेगा, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। और हमारे साथ खास मेहमान भी है, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल, और विवेक बजाज, फाउंडर स्टॉक एज। अनिल जी और विवेक, दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस बेहद ही खास शो में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, गणेश चतुर्थी का बेहद ही खास अवसर है और रिद्धि सिद्धि के साथ लक्ष्मी का वास हो, यही हम उम्मीद करते हैं और आशा के साथ इस शो का भी श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले अनिल जी, जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला, किसी भी अच्छे काम का जो आरंभ होता है वो श्री गणेश के उच्चारण के साथ होता है, निवेश की भी अगर शुरुआत की जाए इस मौके पर तो क्या फायदे होंगे? देखिए, गणेश जी को माना जाता है कि वो विघ्न हरता है, वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं। तो कोई भी जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छे से हो जाए, उसके लिए गणेश जी की पूजा के साथ शुरुआत की जाती है। और रही बात हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी की, जो हमारी निवेश की जो यात्रा है, इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो ये हमारी जो यात्रा है बहुत लंबी चलती है। ये जब तक रिटायर होते हैं उसके बाद भी हमारा साथ देती है, और जैसे जैसे जो जो हमारे आर्थिक लक्ष्य आते जाते हैं उनको पूरा करने में हमें मदद करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसकी शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से करें। जैसे आपने बताया कि अगर कोई यंग निवेशक हैं, अभी अभी जॉब स्टार्ट हुई है और उनकी पहली सैलरी मिली है, तो उनको चाहिए कि उसमें से वो गणेश जी का नाम लेके तीन चार जगह छोटे छोटे अमाउंट स्टार्ट कर दें। म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल लें अपना, NPS में शुरुआत कर दें, और ऐसे करके जैसे जैसे उनकी आगे तरक्की होती जाती है, उनकी जो सेविंग करने की जो क्षमता है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसको वो अमाउंट को बढ़ाते चलें, आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करें कि कब कब कितने कितना अमाउंट को चाहिए होगा। वो हो सकता है कि उनको अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए हो, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कोई वर्क ट्रिप के लिए, किस वर्ष में कौन सा गोल कब आएगा एक उसका अनुमान लगाएं, कितने पैसे चाहिए होंगे, और इन्फ्लेशन को ना भूलें। देखिए, महंगाई के मुद्रास्फीति को ना भूलें, उसकी अगर आप गणना कर लें कि आपको कितने साल बाद कितने अमाउंट चाहिए होंगे, फिर उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अपनी सैलरी में से कुछ रकम निकाल के म्यूचुअल फंड, सिप्स, PPF, NPS, इन सब के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही ऊर्जा भरी हो जाएगी, बहुत ही स्फूर्ति भरी हो जाएगी, और आप आसानी से अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। तो इसमें कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसलिए हम शुरू से कहते आए हैं कि इसकी जो शुरुआत है गणेश जी का नाम लेके अपनी पहली तनख्वाह से करनी चाहिए, अपनी पहली सैलरी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी शुरुआत का सही समय है, लीजिए भगवान गणपति का नाम और कीजिए निवेश की शुरुआत। अगर आपने प्रण कर ही लिया है कि आपको इस साल निवेश की शुरुआत करनी है तो अभी से इसका शुभारंभ कर सकते हैं। विवेक, हम जब छोटे छोटे कदमों की बात करते हैं निवेश शुरू करने की, तो म्यूचुअल फंड एक रास्ता है या फिर बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स तो ट्रेडिशनली बहुत ही पॉपुलर रहा है कि कहीं पर पैसे डालने हैं तो FD कर ली या लंबे टाइम के लिए PPF में पैसे डाल दिए। लेकिन अब तो लोगों में शेयर बाजार में सीधे एंट्री का काफ़ी ज़्यादा एक जोश भी आ गया है। अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि क्यों ना शुभारंभ शेयर बाजार में एंट्री के साथ कर लिया जाए, तो उनको सबसे पहले आप क्या राय देना चाहेंगे कि शेयर बाजार में एंट्री तो ठीक है, सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन तैयारी कैसी हो? शेयर बाजार में एंट्री, आई थिंक इट्स अ बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको करना ही है, और आप जितना डिले करेंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप विचलित रह पाएंगे। इफ यू सी दी स्ट्रक्चर, ये म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ हुआ, म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से जो रन हो रहा है, उसमें एक बहुत अच्छी बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रोसेस लोगों को पता लग गया
कि कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं, कैसे आप रिटर्न को एनालाइज करते हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं जो फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बना सकते हैं वो हो चुका है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 40-45% म्यूचुअल फंड इवेंचुअली तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी एसेट क्लास के अंदर में इन्वेस्ट करना एक स्वाभाविक सा नेचुरल प्रोग्रेशन है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहेंगे और हमारा इन्फ्लेशन ऑब्वियसली हाई रहेगा बिकॉज वी आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री, वैसे वैसे नीड ऑफ हाई यील्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेंगी और इक्विटी इज द मोस्ट लॉजिकल इन्वेस्टमेंट क्लास। अगर आप बिहेवियर की बात करें तो यू नो ऑल ऑफ अस एज अ प्रिंसिपली वी ऑल वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सब कोई ना कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं बिकॉज उसी से वेल्थ क्रिएट होता है। अब हर कोई तो डायरेक्ट बिजनेस कर नहीं सकता है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक तरीका हो गया बिजनेस को बनाने का, और पैरेलल अपने जॉब के साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक पैरेलल अर्निंग का, एक वेल्थ क्रिएटिंग का सोर्स क्रिएट करने का। एब्सोल्युटली, तो आपने सोच लिया है आपको कैसे निवेश करना है, म्यूचुअल फंड से निवेश की शुरुआत करनी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके, या फिर शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके अपने अपने तरीके और नियम समझ लीजिए। अनिल जी और विवेक हमारे साथ हैं, उनसे हम अब आगे और चर्चा को बढ़ाते हैं। चाहे वो शेयर बाजार हो या चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश का तरीका हो, अनिल जी अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका जो पूरा ये सफर है वो एक कहते हैं ना बिना ड्राइवर की एक गाड़ी का है, कि आप कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं मालूम है। तो जो हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं उनको कैसे पहचान के किसी को निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बात बोली कि अपने लक्ष्यों के बारे में निर्धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य आपके कुछ शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। आपके बच्चों की पढ़ाई की जो आपका खर्चा हो सकता है वो 3 साल बाद आने वाला हो सकता है वो 10 साल बाद आने वाला हो, ये डिपेंड करता है कि आपने कब जागरूक हुए आप इस मैटर के ऊपर। तो अपने सारे गोल्स के पीरियड्स को आप डिवाइड करिए शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और हर एक पीरियड के लिए अलग अलग तरह के जो निवेश हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि अगर आपके गोल्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, यानी कि 3 साल से पहले आने वाले हैं, चाहे वो बच्चों की फीस देने का है या आपने घर के लिए पेमेंट करनी है या अपने बच्चों की शादी के लिए खर्चा करना है, फिर आपको जाना चाहिए डेट फंड्स की तरफ, या जो बिल्कुल ही सिंपल जैसे बैंक FD हो गई 1 या 2 साल की, जिसमें किसी तरह का ज़्यादा रिस्क नहीं है और क्योंकि गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका गोल जो है वो आने वाला है 7 साल या उससे बाद, अभी आपकी उम्र है 25-26 साल की, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा आएगा जब आप 38-40 साल के हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म हो गया, या फिर उनकी शादी के बाद उठेगी जब आप 45-50 साल के होंगे, या घर बनाना होगा जब आप 52-53 के होंगे, रिटायरमेंट होगी जब 58-60 के होंगे। तो ये जो सारे लंबे गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल जिनको हम बोलते हैं, इनके लिए तो इक्विटी जो है वो बेहतरीन एक विकल्प है, जिसकी जैसे विवेक ने भी बात करी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं विवेक से डिफर करता हूँ अप्रोच के बारे में, कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए जाएं। यहाँ पे हमारी सलाह ये रहती है कि जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि केमिस्ट के पास जाते हैं? तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपकी चिन्हों को समझ के, आपके चेकिंग करके, इंस्पेक्ट करके फिर बताएगा कि भाई आपको कौन सी दवाई ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसी तरह से ही अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और डायरेक्टली अगर आप चले जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक मार्केट में, तो 7,000 कंपनियां हैं स्वाति हमारी कंट्री में जो लिस्टेड हैं। कैसे एक यंग पर्सन जो एक इंजीनियर है या एक HR का एम्प्लॉय है या कोई सेल्स पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा कि 7,000 कंपनियों में से कौन सी कंपनी है जिसके शेयर्स के रेट चढ़ेंगे, कहाँ वो निवेश करें, कैसे वो चुने? उसमें वो बहुत लोग गलती कर जाते हैं टिप्स वगैरह के लेके, या TV पे देख के कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनको देख के काफी हमने ऐसे देखा है कि वो गलती कर जाते हैं। तो इसलिए हमारी सलाह ये रहती है कि आप जाएं फाइनेंशियल डॉक्टर्स के पास, यानी कि आप जाएं म्यूचुअल फंड्स के पास जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपके 2,000, 5,000, 10,000 जो भी आप जमा कर रहे हैं उस पैसे को बहुत ही समझ के, रिसर्च करके, एक पोर्टफोलियो बना के, और जो चुनिंदा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारी कंट्री की, उसमें आपका निवेश जाएगा और आपको उसी हिसाब से अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह होगी कि आप गणेश जी का नाम लेके म्यूचुअल फंड में सिर्फ से स्टार्ट करें। अब रही बात की इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे आपने यहाँ पे भी लिखा अपने TV स्क्रीन पे भी कि KYC की रिक्वायरमेंट है, नो योर क्लाइंट की, बहुत ही सिंपल है स्वाति।
तीन चीजें चाहिए आपको, एक आधार कार्ड चाहिए, हर एक के पास होता है, एक पैन कार्ड चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और एक कैंसिल चेक चाहिए होता है कि ताकि जब आपका डिविडेंड वगैरह या कोई आपके जो पेमेंट वगैरह है तो वो कौन से बैंक अकाउंट में जाए। तो ये तीन चीजें लेके आप अपने जो भी निकटतम आपका फाइनेंशियल प्लानर है या म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है या जो आपका एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल डॉक्टर है, उसके थ्रू केवाईसी स्टार्ट करके और एक अमाउंट तय करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड सिप की जर्नी, और उसके थ्रू आप सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर गोल आपका शॉर्ट टर्म का है, एक साल, छह महीने, दो साल, तीन साल के बाद आने वाला है, ऐसे भी होते हैं कि गोल दो महीने के बाद आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर बेचा है, उससे आपको 15 लाख रुपए मिले हैं और वो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए खर्च करना है जो 3 महीने के बाद है, तो ये जो गोल है 3 महीने का, इसके लिए आप इसको इक्विटी में नहीं डाल सकते, आप इसको म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते, इसको आपको डालना पड़ेगा लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में। तो ऐसे करके डिफरेंट पीरियड्स के डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं जो आपको फाइनेंशियल प्लानर समझाएगा, हम भी यहाँ पर प्रोग्राम में बता देते हैं। अगर आपका गोल आ रहा है 3 साल के लिए तो आपको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में, अगर आपका गोल आ रहा है 5 साल के लिए तो आपको जाना चाहिए हाइब्रिड फंड्स में, जिनको हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स बोलते हैं या एसेट एलोकेशन फंड्स बोलते हैं। लेकिन अमूमन आप पाएंगे कि ज्यादातर गोल 7 साल या उसके बाद में आएंगे, उसके लिए आपको शुरुआत करनी चाहिए लार्ज कैप फंड से, उसके जाओ मिड कैप फंड्स पे, फिर जाओ फ्लेक्सी कैप फंड्स पे, फाइनली जब आप एक मेच्योर इन्वेस्टर बन जाओ फिर आप थोड़ा पैसा डालो अपना इंडेक्स फंड में, स्मॉल कैप फंड में, थीमेटिक फंड्स में, एफएमसीजी फंड्स में, हेल्थ केयर फंड्स में, ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो को बनाते चलो, साथ साथ उसका रिव्यू करते चलो हर 3-3 महीने के बाद, और जैसे जैसे आपके लक्ष्य आते जाएंगे उनको आसानी से पूरा करते चलो, और आपकी जिंदगी पे ठप्पा लग जाएगा कि आप भी एक सफल इंसान हो। ओके, अनिल जी ने बहुत दिलचस्प चर्चा यहाँ पर छेड़ी कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत एक म्यूचुअल फंड के जरिए एक SIP से करें, उसके बाद थोड़ा सा आप जब अनुभव हासिल कर लेते हैं, आपको बाजार की जानकारी हो जाती है, उसके बाद शेयर बाजार में आप जाएं। विवेक, मैं आपकी राय लेना चाहती हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक शायद सहूलियत निवेशकों के लिए है कि हर एक लक्ष्य के हिसाब से एक कैटेगरी भी है, एक फंड भी है, निवेश का तरीका भी है। क्या शेयर बाजार इस तरीके की फ्रीडम या इस तरीके का जो तरीका है वो अपने निवेशकों को देता है? दूसरी बात ये, क्या शेयर बाजार को समझना इतना आसान है कि एक जो नया निवेशक है वो आसानी से पहला कदम सीधे शेयर बाजार की तरफ ही आगे बढ़ाए? तो कहने का मतलब ये कि शेयर बाजार में निवेश शुरू करने से पहले या शुरू करने के लिए किस तरीके के नॉलेज की जरूरत होती है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हम अगर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो गूगल जरूर कर लेते हैं कि भाई डॉक्टर वो सही बोल रहा है क्या, वो बीमारी के बारे में हमारे अंदर भी एक जिज्ञासुनेस होती है। तो जो ये बात है ना कि म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर है जो कि मैनेज कर रहा है, ये अच्छी बात है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा एक डॉक्टर को दें ताकि वो उसको प्रॉपरली मैनेज करे, बट हम बहुत अलग दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सेस इतना ईजी हो गया है, नॉलेज एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि अगर आप थोड़ा एफर्ट करें तो आप खुद भी एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का नॉलेज मिलने से आप बेसिक कदम उठाना चालू कर देंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक म्यूचुअल फंड में डालिए मत, और मैं ये नहीं कहता हूं 100% इक्विटी में डालिए, बट आई एम सेइंग कि अगर शुरुआत हमने म्यूचुअल फंड से किया, और मेरे हिसाब से निफ्टी ETF इससे अच्छा कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है, क्योंकि कम से कम इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट है और ऑटो बैलेंसिंग है, अपने आप अच्छे स्टॉक आते हैं और बुरे स्टॉक निकल जाते हैं। तो शुरुआत तो निफ्टी ETF से ही करना चाहिए, और अपने जो इक्विटी मार्केट का पार्टिसिपेशन जो चालू करना है 10% 20% से चालू कीजिए। वो जो 50 स्टॉक है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं में से ही कुछ स्टॉक पकड़ लीजिए, चाहे आप 5 स्टॉक पकड़ें या 10 पकड़ें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सपोज मैं रिलायंस जियो का यूजर हूं और मैं बहुत सेटिस्फाई हूं और मुझे लगता है कि कंपनी का विजन बहुत है, अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट का मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा एक्साइटेड फील होता है, तो मैं क्यों एक ETF में खाली पैसा डाल के छोड़ रखा हूं जो रिलायंस में इतना सा शेयर लेके बैठा है? अगर मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर तो मैं रिलायंस का भी एक्स्ट्रा शेयर लूंगा, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग दैट मैं नेगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में डालो पैसे, बट कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना है शुरुआत में ये सोचो, और इक्विटी मार्केट को इससे डरो मत, बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत ही लॉजिकल एक साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं रहे, और हमको लगता है दूर से कि इसमें पैसे लगते हैं,
पैसे बनते भी हैं, तो लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि 99% लोग पैसा नहीं बनाते, 1% पैसा बनाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप वो 1% बनना चाहते हैं कि 99% बनना चाहते हैं? तो मैं थोड़ा प्रो इक्विटी ज्यादा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड को बहुत अलग तरीके से यूज करता हूँ, निफ्टी ETF में करता हूँ, लिक्विड फंड यूज करता हूँ शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं इक्विटी में बहुत कन्विंस हूँ। एफर्ट डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट आज की डेट में सीखने वाले के लिए बहुत टूल्स अवेलेबल है। यूट्यूब ने कमाल काम किया है, ट्विटर ने कमाल काम किया है, आप लोग चैनल के थ्रू कितना सिखा रहे हैं, सीखने वाला तो सीख लेगा। गणेशोत्सव के मौके पर हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं मनी गुरु के खास पेशकश। बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा हमारे साथ हैं और स्टॉक एज से विवेक बजाज हमारे साथ हैं, उन दोनों से ही कर रहे हैं खास चर्चा। अनिल जी, जब आप से चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, हमने ये जाना और समझा कि हाँ एक पोर्टफोलियो में क्या क्या होना जरूरी है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा पहले जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं, हमारे हाथ में सैलरी आती है, हम सोचते हैं कि हमें कितना बचाना है और फिर कितना निवेश करना है। तो जो एक प्रपोर्शन है किसी की बचत का और उस बचत से निवेश करने का, वो आमतौर पर होना कितना चाहिए? क्योंकि जब एक बार हाथ में पैसे आ जाते हैं तो कई खर्चे हमारे हो ही जाते हैं, तो क्या इसका कोई एक रूल है? बिल्कुल है इसका रूल स्वाति, बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है और आपसे शेयर कर देते हैं हम, शायद पहले भी हमने कभी प्रोग्राम में बताया हो। हमने जो रिसर्च करी, हमने ये पाया कि जो भी किसी की एनुअल इनकम है उसका कम से कम, देखिए मैं कम से कम पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, मिनिमम पे 30%, 30% जरूर सेव करना चाहिए। चाहे आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की हो, 1 लाख रुपए महीने की हो, 5 लाख रुपए महीने की हो, 2 करोड़ का आपका पैकेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपकी सैलरी हो, जितनी भी आपकी इनकम एनुअल है, चाहे आप बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, एनुअल इनकम का आपको कम से कम 30% जरूर बचाना चाहिए। ये हमने अपने रिसर्च से अभी तक निकाला है, आकलन किया हमने इसका। और यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 30% कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो 30% है ये होनी चाहिए आपकी ग्रॉस इनकम की, ना कि नेट इनकम की। काफी लोग ये गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है और आपको बैंक में कटकटा के 70,000 रुपए सैलरी आपके बैंक में आती है, तो जो 30% बचाना है आपने, वो 1 लाख का बचाना है, ना कि 70,000 का। तो पहले 1 लाख में से 30,000 रुपए बचाइए, बाकी जो 70,000 है उसमें से इनकम टैक्स दीजिए, EMI दीजिए, रेंट दीजिए, ग्रोसरी खरीदिए, अपने बच्चों की ट्यूशन फी वगैरह पे करिए। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, मिनिमम 30%। और उसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई 40% बचा लेता है, फिर तो आपके सारे गोल्स आपके बारे में आ रहे हैं, गणेश जी आपके साथ हैं, गणपति बप्पा मोरिया हो जाएगा और आपकी जो रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है ना, वो गोल्डन ईयर्स नहीं डायमंड ईयर्स हो जाएगी। लेकिन किसी वजह से अगर कोई 30% से कम बचा रहा है स्वाति, कोई 25% 20%, ऐसे भी हमने लोग देखे हैं 10-15-20% बचाते हैं, उनके सारे गोल्स इंपैक्ट हो जाते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लोकल किसी स्कूल कॉलेज में करनी पड़ती है, वो बाहर नहीं भेज पाते। उनकी शादी जो है बच्चों की, वो लोकल किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या कम्युनिटी सेंटर में करनी पड़ती है, वो अच्छी तरह से शादी नहीं कर पाते। उनका घर छोटा रह जाता है, उनकी कार भी छोटी रह जाती है, रिटायरमेंट फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये हमने पाया है कि जो लोग पहले कम बचत करते हैं, यानी ज्यादा खर्चा करते हैं, बाद में उनकी जिंदगी में तकलीफें आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है कि मिनिमम 30% अपनी ग्रॉस इनकम का, जिसको हम पैकेज बोलते हैं, जिसको CTC बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, कि मेरी CTC 8 लाख की है, 15 लाख की है, उसका 30% कम से कम बचाना चाहिए। अब अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 30% बचाया इसको कहाँ कहाँ कैसे लगाना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जानूंगी कि कहाँ कहाँ पर ये पैसों को लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ रहे हैं, दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और विवेक वो ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सही समय है बाजार में एंट्री करने का? क्योंकि बाजार में एक दिन एक अलग माहौल है, अगले दिन हम कुछ और माहौल देखते हैं। तो जिसको शेयर बाजार में दिलचस्पी है, वो समझना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त होता है या कौन सा ऐसा समय होना चाहिए जब किसी को बाजार में एंट्री करनी चाहिए, या ऐसा कोई रूल नहीं? डिपेंड करता है कि आप किस टाइम अवधि के लिए सोच रहे हैं। कि अगर आप यहाँ से 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो टाइमिंग करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सब टाइम सही टाइम है। अगर आप 1 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो टाइमिंग करना जरूरी है। अगर आप 2 महीने के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तब तो टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना बेटर आप टाइमिंग करेंगे उतना आपका रिटर्न इनहेंस होगा। और जनरली बाजार में देखा गया है कि जब बाजार गिरता है तब फिर वो एक तरह का फियर आता है, और बड़ा पैसा वही बनाता है जो फियर के समय एक्ट करता है।
और जब बाजार बहुत बढ़ता है तो ग्रीड आता है, तो बड़ा पैसा वही बनाता है जब वो एग्जिट कर पाता है। तो शॉर्टर टेन्योर के अंदर में अगर आपको पोर्टफोलियो बेस काम करना है, ट्रेडिंग करना है जिसको हम ट्रेडिंग कह सकते हैं, तब तो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों को इतना वेटेज देना पड़ेगा। बट अगर आप 5 साल 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्डअप स्टेज में है, तब बाजार क्या कर रहा है मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कंपनीज क्या कर रही है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसका मैनेजमेंट हर क्वार्टर आके क्या बोल रहा है, क्या वो बिजनेस सही कर रहा है, बिजनेस खराब कर रहा है। फिर निफ्टी या सेंसेक्स का एक तरह से कोई मायने नहीं है, हो सकता है गिर जाए, बट जनरली देखा गया है लास्ट 100 साल का अगर अपने हिस्ट्री देखें तो गिरने के बाद में बाजार रिकवर बहुत फास्ट करता है। बढ़ते हुए बाजार के अंदर में तेजी चलती रहती है, गिरते हुए बाजार में रिकवरी बहुत फास्ट आती है। तो डोंट वरी अबाउट द मार्केट इफ यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो फॉर 4, 5, 6 ईयर्स। ओके, तो ये हमने शेयर बाजार में निवेश के फंडे समझे विवेक से। अब ये जानना भी जरूरी है कि आपने पैसा बचाया तो सही, लेकिन इस पैसे को लगाना कहाँ पर है। तो पोर्टफोलियो प्लानिंग की जब हम अनिल जी बात करते हैं तो कैसे कैसे प्रपोर्शन में इस पैसे को जो आपने बचाई है रकम किसी को लगाना चाहिए? हाँ देखिए, उसके कुछ थंब रूल्स हैं जो हम आपको शेयर कर देते हैं कि जब आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी आपने करियर स्टार्ट किया है, अभी शादी हुई या नहीं हुई है, अभी आप 25-30-32 साल के आसपास हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेज हैं जिसमें आपको अपनी सेविंग को लगाना चाहिए। और ये 3 एसेट क्लासेज जो हैं ये हैं डेट, इक्विटी और गोल्ड। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो डेट में आ जाते हैं, पीपीएफ आ जाता है, इसके अलावा इसमें पोस्ट ऑफिस की स्कीमें आ जाती हैं जैसे केवीपी, एनएससी वगैरह, एनपीएस आ जाता है। तो ये तो हो गए डेट के। और उसके अलावा फिर इक्विटी में आ जाती हैं टैक्स सेविंग फंड्स या म्यूचुअल फंड सिप्स, जिसकी हमने बात करी पहले भी कि भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड सिप्स करना चाहिए इक्विटी। और तीसरा है गोल्ड। इनका जो अनुपात है वो हम समझ लेते हैं, इसका जो एलोकेशन है वो, उसका थंब रूल क्या है वो समझ लेते हैं कि देखिए, गोल्ड में तो एक स्टैंडर्ड है कि अपनी कुल सेविंग्स का 10% लगाना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है और वो 30,000 रुपए बचा रहा है, तो 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपए एक महीने के या साल के 36,000 रुपए तो वो गोल्ड में लगाए। और गोल्ड में भी फिजिकल गोल्ड में नहीं, देखिए फिजिकल गोल्ड तो है ना, हम सारी फैमिलीज में सबके पास ढेर सारा है, अपने लॉकर में झांक के देख लीजिए, वहां लॉकर में खूब सारा सेट्स वगैरह, चूड़ियां वूड़ियां, अंगूठियां सब पड़ी हुई है। अब टाइम आ गया है कि हम गोल्ड में ना डिजिटल गोल्ड में लगाएं, पेपर गोल्ड में लगाएं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लें। ये तो हो गया गोल्ड 10% फिक्स हो गया। ये चाहे आपकी उम्र 25 है, 48 है, 52 है, 63 है या 102 है, ये हमेशा 10% ही रहता है अपनी कुल जमा पूंजी का। फिर आ जाता है कि इक्विटी में कितना लगाया जाए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट क्लास है। उसका थंब रूल जो बड़े सालों से चलता आ रहा है और बहुत ही पॉपुलर है और वो टाइम टेस्टेड है, वो है कि 100 में से अपनी उम्र घटाएं। तो अगर आपकी उम्र अभी 30 साल की है तो 70% आपको अपनी सेविंग का डालना चाहिए इक्विटी में, 10% गोल्ड में जो भी बताया था, और बाकी जो बचा 20% वो डेट में, यानी कि वही प्रोविडेंट फंड वगैरह में। अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो 100 में से 50 घटाइए, 50% इक्विटी में, 10% गोल्ड में और 40% डेट में। अगर हम अपने दादाजी से बात कर रहे हैं जो 80 साल के हैं, वो भी कम से कम 100 साल जिएंगे, तो उनको भी, जिनकी उम्र 80 साल की हो गई है, 100 में से 80 घटाइए, 20% उनको भी गणेश जी का नाम लेके इक्विटी में लगाना चाहिए, 10% गोल्ड में और बाकी 70% डेट में। तो स्वाति, हमारा यह मानना है कि अगर आप इस सिंपल से फॉर्मूले को अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ लगातार फॉलो करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इक्विटी में कम करते जाएंगे, 30 साल की उम्र है 70%, 40 साल की उम्र है 60%, 50 साल पे 50, 60 पे 40, ऐसे कम करते जाएंगे लगातार, और गोल्ड को बरकरार रखेंगे 10% पे और डेट को लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो इससे जो है आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी, इससे आपकी आर्थिक ऊर्जा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी इससे बिल्कुल सर। और विवेक, बहुत ही समय कम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हमने एक सार समझा बहुत ही संक्षिप्त में। विवेक, एक पोर्टफोलियो प्लानिंग में शेयर बाजार का परसेंटेज कितना हो आपकी नजर में? मैं एक्चुअली सर जो कह रहे हैं मैं उसी को मान लेता हूँ, और वो जो इक्विटी वाला पोर्शन ले रहे हैं, मैं इक्विटी करूंगा, बट मैं डायरेक्ट इक्विटी करूंगा और मैं इस तरह से करूंगा। सो डायरेक्ट इक्विटी में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2 पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू योर एज। तो अगर आप 50 साल के हैं तो 50% ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो शुड बी कोर, और कोर के अंदर में वो 10-15 स्टॉक होंगे जिसमें आप आराम से लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहेंगे बिना कोई चिंता के। और बाकी जो बैलेंस बचा, सपोज कोई 30 साल का है तो 30% उसका कोर हो गया, 70 हो गया सैटेलाइट पोर्टफोलियो,
सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मैं एक्टिव रहूंगा मार्केट में और मोमेंटम इन्वेस्टिंग करूंगा, जहां पे मुझे एंट्री मिलेगी मैं एंट्री करूंगा और एग्जिट मिलेगी मैं एग्जिट करूंगा। ट्रेडिंग नहीं हुआ, ये डेरिवेटिव्स नहीं हुआ, बट हाँ कैश मार्केट के अंदर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप एक्टिव रह सकते हैं थोड़ा मार्केट में तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप मोमेंटम ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं सब, आपके पास हफ्ते में एक या दो घंटे हैं सिर्फ पैसा मैनेज करने के लिए, तब आई थिंक म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 10 आवर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है आप ही को चिंता होनी चाहिए, 10 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी इज अ गुड ऑप्शन, खाली उसको सीखना समझना पड़ेगा। तो सोच समझ कर निवेश कर, ये एक पूरा इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जानकारी रख कर करें। बहुत धन्यवाद करेंगे अनिल चोपड़ा जी आपका और साथ ही विवेक बजाज आपका भी इस बेहद ही खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के इस खास पेशकश पर बस इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस।